आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलबीए के प्रेसिडेंट श्री सुल्तान सेवांग जी से, उनसे जानना चाहेंगे सर ये कैसे कब तक चलता रहेगा, ये बच्चों का फ्यूचर की बात है तो जैसे आपने भी इस चीज़ को काफ़ी आगे लेके गए हैं, फिर भी कोई सोल्यूशन आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा हमारे पीछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के स्टूडेंट्स वो धरने पे है और वो लोग वहाँ पर लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। कोई ये ना समझे हम उनको भड़काने आए हैं, हम तो उनसे अपील करने आए थे कि इस गर्मी के मौसम में इस तरह का धरना उनके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता, तो हम चाहते थे हम उनसे अपील करके हो सके तो इस धरना को पोस्टपोन करके कुछ पैसे का इंतज़ार करें। लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स ने हमारे सामने जो मसाइल उन्होंने हमारे सामने रखा तो उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि स्टूडेंट्स अभी मरने वाले हैं, क्योंकि दो दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए ये स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे, हम कल भी आ सकते थे, हम नहीं आए, हम उम्मीद कर रहे थे कि हिल काउंसिल के कोई रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलने यहाँ आएंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ आएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर मिलने आएंगे उनसे। हमें ये बताया गया सिर्फ एडीसी एडिशनल डीसी वो भी लॉ एंड ऑर्डर को देखने आए होंगे, मसाइल को सुनने नहीं आए होंगे, वो यहाँ पर नहीं आए हैं। उसको देखते हुए जो स्टूडेंट्स को हम गुस्सा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और हमारे अपील के बावजूद भी वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जब तक उनकी मसाइल के बारे में कोई फैसला नहीं होता, कोई ऐसा हॉल नहीं ढूंढा जाता जिससे वो तसली बख्श उनको मान सके, तब तक वो धरना नहीं हटाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और आप लोगों को ये भी बता दूँ, इससे पहले भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के बच्चों ने हड़ताल किया था, काफ़ी देर तक किया था, तो उस समय भी उनको आश्वासन दिया था लोगों ने, तो उस बेसिस पर उन्होंने उस वक्त धरना हटाया था। अब इनके सामने ये एक्सपीरियंस है कि सरकार की तरफ से उनकी तरफ से एश्योरेंस तो दिया जाता है लेकिन उन पर अमल नहीं होता है, तो हम आज उनसे अपील करने आए थे और उनकी जो क्या क्या डिमांड है उसके बारे में हालांकि सबको मालूम है फिर भी उनसे पूछने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो उनका मेन जो डिमांड है वो तो ये है कि सबको मालूम किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज का दर्जा बढ़ाकर डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था सन 1916 में, 5 साल गुजर गया लेकिन डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देना तो दूर रहा, अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ का जो वजूद है उसको भी खतरा है, डायरेक्टर यहाँ पर नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यहाँ पर नहीं है, लेक्चरर्स की कमी है, स्टूडेंट्स जिन्होंने उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा का एग्जामिनेशन दिया जो कि इक्विवेलेंट है हायर सेकेंडरी का और शास्त्री का, उनका जो डिग्री इन 5 साल के दौरान जिन स्टूडेंट्स से पास आउट हुए हैं उनको कहीं भी रिकग्निशन नहीं है, क्योंकि 1916 में जब ये वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ डी एफिलेशन हुआ, किसी और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेशन अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ है, और चूँकि यहाँ डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं दिया गया है तो यहाँ यूनिवर्सिटी में भी कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, उनको अथॉरिटी नहीं है कि उनकी डिग्री को रिकग्नाइज कर सके, तो ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से 5 साल से बच्चों ने जिन्होंने पास आउट होकर 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, ना तो उनको कहीं और एडमिशन मिल रहा है ना तो वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी बोर्ड उनकी उस डिग्री को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इस मसले को लेकर हम सभी ने उठाया है, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए अमन मंदे उन्होंने भी उठाया है, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग भी उठाते रहे हैं, बराबर आश्वासन मिला लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब इसके बारे में हम लोगों ने कोशिश किया, बीच में आपको मालूम है कि हम लोग एलजी से भी मिलते रहे, यहाँ से डेलीगेशन गए दिल्ली में कल्चर मिनिस्ट्री और यहाँ के जो इंचार्ज हमारे डायरेक्टर है जैसे गवांग समतल्ला वो भी यहाँ पर भी आए, दिल्ली में कई बार जाके उन्होंने मीटिंग की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक दो बार वहाँ पर मीटिंग बुलाया, उनमें कुछ फैसला होता है कुछ चर्चा होता है लेकिन आखिर तक अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ, तो उसको लेके लोगों में चिंता होना ज़रूरी है और हम समझते हैं इसका हल बहुत जल्दी ढूंढना चाहिए। एक तो डीम टू यूनिवर्सिटी के बाद हमने सुना कि वाइस चांसलर का सिलेक्शन हो गया है, एक नाम प्रपोज हुआ है लेकिन वो कहीं अटका हुआ, कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसका अप्रूवल नहीं आया, या तो उनका अप्रूवल करके इमीडिएट उनकी तैनाती हो, अगर उसमें कोई पता ही हो सरकार को कोई ऑब्जेक्शन हो तो दोबारा एडवर्टाइज करके वीसी की तैनाती हो, इन द मीन टाइम कम से कम यहाँ पर जो ऑफिसर भी ठप है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था वो भी यहाँ पे नहीं है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और एक यूनिवर्सिटी के नाते या सेंट्रल इंस्टीट्यूट के नाते जो जो इंतज़ाम यहाँ होना चाहिए ना होने की वजह से ये बिल्कुल डिफंक्ट है,
तो इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं अथॉरिटी से कि जल्दी से जल्दी इसको सीरियसली लेकर इश्यू को करें, नहीं तो स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो कि लद्दाख के हम सभी लोगों को भी इनके साथ जुड़ के हमें स्ट्रीट पे आना पड़े। और ये है, और इसके साथ ही साथ जो उनके और कुछ इश्यूज़ है जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पर उजागर किया इसी धरने के दौरान, एक तो है जो संस्था जिस मकसद से कायम हुई है, आपको मालूम है लद्दाख का एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, सब कुछ यूनिक है। और इस संस्था को यहाँ पर कायम करने का मकसद यही था कि लद्दाख जैसे जो दूरदराज इलाका है, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ के रहने वाले की लोगों की जो आइडेंटिटी है और यहाँ के लोग जो कि हमेशा भारत के साथ रहे, हम जय हिंद करते रहे, भारत माता की जय बोलते आ रहे, बावजूद इसके कि हमारे आमने सामने एंटी नेशनल लोग यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, देश संविधान को न मानने की बात कर रहे हैं, लद्दाख के लोग हमेशा से भारत के साथ रहा है। और इसके लिए हमने आज तक जितनी भी लड़ाई है इस भूमि पर लद्दाख में लड़ी गई है उसमें लद्दाख के लोगों का पूरा पर बराबर का भारत के सेना का साथ हमारा सहयोग रहा है। अब इन हमारे जैसे राष्ट्रवादी लोगों की अगर हमारी पहचान यहाँ पर को खतरा हो, हमारी लैंग्वेज को खतरा, हमारे वजूद को खतरा हो, तो इस तरह की संस्था को जीवित रखना, उनको और सशक्त करना बहुत ही ज़रूरी, हर लिहाज से ज़रूरी है। तो हम सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, इसमें चाहते हैं कि इस मैटर को ज़्यादा ना करता ले, वरना यहाँ का बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, ये हम कहना चाहते हैं अथॉरिटी से। मैं पब्लिक लाइफ है ना दुख से लो मापो सो निशूर संगा सुनचू सो ना लेकिन ये तो जरा दे दिया डीम टू बी यूनिवर्सिटी ना संग में संकट टू बच्चन चल मंगे तू साइन दिया ते जाने स्कूल ते गता डीम टू बी यूनिवर्सिटी गता तंचे से थक्चा सोंग ते गजे यूजीसी ना एचआरडी ना कंसंग संग मार दूर ते गता सोंग ते इनबल डिक्लेयर बो दंग बीजेपी सरकार यो करते ने बीजेपी सरकार गता चोस ते लगे सोंग पसंग डीम टू बी यूनिवर्सिटी गता मा खक्चान छोटे गता संग में चोस कर ले ता ई वो ते ने गता चाहे कजुक से सुख से दो गता गोमा गोता गता सी आई बी को खोचे सो जिसे स्तंभ गलत बकुल है बच्चे खुबसू नहीं था गता सोनते रहोगे को मानी चिगा मा चिगा करने सुखे से कोसा होले चे चुना गता ते जने खचुल नंग नपो बोट पा लद्दाख नंग खचुल जसा सी के ना सोपा लद्दाख से नी तक न्यू मिरिक्स न्यून बो तेरे चीसा थोकने खचुल नंग मजोस पसंग लद्दाख खचुल नंग नपो तेने लद्दाख से ए गोस्तक नंग ते संगे का ख्यात छेनबोजी लेबोक जर पसंग यू सुखचे से थकचत पंडित नेहरू ते तुसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ बकुल रिम्बो छेस्तो नजर तेना तंग सुंगा थोकते लोग ले तो ये जास छून जिक मान पिन मा खाचे नहीं पिन ते वे का तेने दिलिंग सुपा गता कते धेमोजी अल्लास बतू भाई योजना ता दिलिंग सुपा चाम सिगी ना गता डायरेक्टर योग से तो प्रिंसिपल योग से तो गता अल्लास सुपन ते संगे का खाके नुकसा मान सोदे मेत पा दिलिंग सुपा गता ना योगता रिंगता दिन रिचेस पे जाते कजुक सच्ची का यूनिवर्सिटी लेबो छेस्तो नता तो माता अल्लाह मत बोले तुम पसंद हम हमारा हक बोल रहे हम हमारा हक बोल रहे हां किसी से भी बोल रहे हां किसी से भी बोल रहे रीवन जस्टिस रीवन जस्टिस रीवन जस्टिस रीवन जस्टिस सबको सुनने तो बसे मजी को तो बसे सबको सुनने तो बसे मजी को तो बसे सबको सुनने तो बसे मजी को तो बसे स्टूडेंट एसोसिएशन के अलग अलग जितने भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कौन सी एसोसिएशन से? हम लद्दाख साउथ इंडियन एसोसिएशन के सिलसा। आप? स्टूडेंट यूनियन मुख्य का प्रेसिडेंट चीफ कोऑर्डिनेटर सोल के एडवाइजर हूँ जी। तो आप समझ सकते हैं ये जो चीज़ है, ये जो इश्यूज़ है कितना गंभीर हो चुका है इस टाइम पे। बच्चों के फ्यूचर जो है वो काफ़ी खतरे में है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे नोनो आपसे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अभी लिया गया है लद्दाख में अनाउंस हुआ है, तो साथ ही साथ एक यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि सर्टिफाइड नहीं है और हमारे पास है ईजीएम कॉलेज लद्दाख में, वो हर बार जो है कुछ ना कुछ इशू से आपको स्ट्राइक प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जुले और सलाम मेरे सभी लद्दाखियों वासी हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ,
हमारा लद्दाख को नया नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ग्रांटेड हुआ है और जैसे कि आज देख सकते हैं आप CIBS का हालत, जैसे कि CIBS का पूरा स्टूडेंट्स यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं पिछले 2-3 दिन से। हम ये समझ सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर अलॉट करते हैं या फिर सेंक्शन करते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ CIBS का हालत देखने के लिए आ जाइए, यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए आ जाइए। EGM का आप हालत देख सकते हैं, 2-3 महीने पहले EGM का भी यही हालत था, EGM भी स्ट्राइक पे बैठा हुआ था सभी स्टूडेंट। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सेंट्रल CIBS जो एक लद्दाख का हेरिटेज, लद्दाख का कल्चर पढ़ने का एक जगह है, वो अभी वहाँ का स्टूडेंट सभी यहाँ पे अभी धरने पे बैठे हुए हैं तो वो पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले बात यही है। और EGM जो मॉडर्न लैंग्वेज हम कहते हैं, वहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाओगे तो सभी स्टूडेंट स्ट्राइक पे है, क्या लद्दाख आगे जा रहा है? लद्दाख का फ्यूचर इन सेफ हैंड्स है कि नहीं है? मैं MP लद्दाख LSDC और एडमिनिस्ट्रेशन ले से यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अभी इस वक्त आप सब कहाँ सोए हुए हैं? अभी इस वक्त आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फ्यूचर लद्दाख का यहाँ जा रहा है तो आप लोग कहाँ है? सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ सबसे पहले आना पड़ते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएशन को, यहाँ आना पड़ते हैं LBA को, आना पड़ते हैं LGA को, आना पड़ते हैं LSDC के मेंबर्स कहाँ है? LSDC के MP कहाँ है? वो लोग हमने चुनाया था, हमने वोट दिया था हमारी स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसीज को कम करने के लिए, लेकिन वो लोग अभी करगिल विजय दिवस मना रहा है। वहाँ पे एक इंटरव्यू में भी बोला था कि लद्दाख में एक भी वो नहीं है, कल्चर का प्रॉब्लम नहीं है, कमी नहीं है। अभी देखो यहाँ CIBS के गेट पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठा हुआ है क्या? ओजी वही मैं कहना चाहता हूँ। और जल्द ही मैं ये यहाँ CIBS और EGM का इशू जल्द ही एट द अर्लीस्ट सॉल्व होना चाहिए। मैं यही MP लद्दाख और LSDC एडमिनिस्ट्रेशन से यही आवाज उठाना चाहता हूँ, बार बार कहूंगा जब तक लद्दाख सेफ हैंड में नहीं होगा हम आवाज उठाते रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, हम यही कहते हैं। बात यह है कि मैंने अपना जो BTech है 4 साल का डिग्री है मैंने राजस्थान से किया है, क्योंकि अपना पास कुछ भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। और हमारे यहाँ पे मान्य जमयांग सिंह नामग्याल जी ने ये भी बोला कि डीम यूनिवर्सिटी, अब डीम यूनिवर्सिटी नाम लगने से कुछ नहीं होता है, एक बड़ा सा टैग लगने से कुछ नहीं होता है, अंदरूनी जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहिए। और रिसेंटली हमारे यहाँ पे वो खुशी की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया, नाम बड़ा बड़ा टैग फिर से लग गया, मगर अंदरूनी जो चीज़ें हैं हमारा CIBS का इशू है, EGM का जो इशू है, पहले तो वो सॉल्व करें, क्योंकि वो बच्चा कल को वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वहाँ से बड़ा बड़ा घोषित कर रहे हैं, कल को आने वाले टाइम में फिर से बड़ा बड़ा अनाउंस करेंगे, मैं यही अपेक्षा कर रहा हूँ। इससे पहले MP साहब और जो भी हो हमारा LSDC हो, पहले तो यहाँ पर आए यार, क्या प्रॉब्लम? इनका 3-4 दिन हो रहा है आज तक विजिट नहीं हुआ, बड़ी दुख की बात है। क्यों हमारा वोट लेते समय बड़ा बड़ा वादे करते हैं, लोगों को उलझाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मगर ग्राउंड रियलिटी यही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हर कोई आके जाते हैं, मगर उन लोगों को दिख नहीं रहा होगा, या तो आप लोगों का जो मीडिया का जो वीडियो है वो दिख नहीं रहा होगा। हम अभी उन लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि देख वोट मांगने से पहले आप लोग यहाँ पे आए, कल को आप लोग फिर से वोट नहीं मांगना है क्या? तो बच्चों का वोट नहीं चाहिए? तो मेरा यही कहना है कि लीव के रिगार्डिंग जितना भी स्टूडेंट एसोसिएशन है, हमने पहले ही लोगों को बोला कि हम बैक साइड हम दे रहा हूँ, मगर दुख की बात यह है कि हमने सोचा कि ये पॉलिटिक्स ना हो, हमने थोड़ा इंतज़ार किया, कोई नहीं आया, तो मजबूरन हम यहाँ आना पड़ा कि इनका सपोर्ट के लिए, क्योंकि बच्चे खुद यहाँ रो रहा था कोई बच्चे का, तो हमारा संस्कार से बिलोंग कर रहे हैं, वो संस्कार से यहाँ आ नहीं पा रहे, वो वहाँ से बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि प्लीज़ अच्छा हमारा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा रिजॉल्व करें। तो लास्ट ईयर से विंटर से मैंने इस प्रॉब्लम का जार था, हमें पता है कि इसमें जो स्कूल और कॉलेज दोनों कंबाइन करके रखा है, तो डीम यूनिवर्सिटी डी एफिलिएशन करने से पहले इनको समझ में आना चाहिए था कि स्कूल क्या है और यूनिवर्सिटी क्या है। तो स्कूल अलग होता है क्योंकि सेकेंडरी लेवल तक अलग सा रोल होता है, उसके बाद फिर कॉलेज होता है, फिर यूनिवर्सिटी होता है, ये दोनों कंबाइन चला रहे। और मैं ये पहले कहना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी लीडर रहे हैं उन्होंने आज तक एजुकेशन पे बिल्कुल ही नहीं दिखा है, क्योंकि आप लद्दाख में देख सकते हो, मैं भी लद्दाख में आज तक पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं कभी बाहर पढ़ने नहीं गया, यहीं लद्दाख में पढ़ रहा हूँ, मुझे पूरा पता है कि यहाँ के एजुकेशन कितना वो चल रहा है। यहाँ पे 0% है मैम, 0% चल रहा है अभी, जो भी EGM कॉलेज है CIBS है और जितने भी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का है वो 0% चल रहा है। मुझे ये लगता है कि अभी तक जितने भी लीडर आए हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही इस पर ध्यान नहीं दिया है। और ये है कि
बच्चे ये बोलते हैं कि सभी लीडर ये बोलते हैं कि बच्चे भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, हमारे लद्दाख के भविष्य हैं, लेकिन भविष्य के लिए जो मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो मदद चाहिए वो लोग बिल्कुल ही नहीं दे रहे। जितने भी लीडर हैं, जितने भी अभी जितने एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो सब बच्चों को कभी नहीं देखते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा हमें खुद निकल के आना पड़ता है। ये बोलना चाहता हूँ कि आज से जब जब भी इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा ना, फिर हम रोड पे तभी निकलेंगे। तो जैसे वादे पे वादे किए जाते हैं, जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो काफी बिल्ले आते हैं, कुछ अश्योरेंस दे के जाते हैं दोनों बार बार, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर अश्योरेंस देने के बाद भी ऐसा हालत होता है तो आप क्या कहेंगे उस पर? आप तो खुद स्कूल से पास आउट हो। जी, सबसे पूर्व मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा पेश करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे आके बच्चों की क्या समस्या है उनका हाल ढूंढने के लिए आप लोगों का प्रयास हमेशा रहते हैं। तो सबसे पूर्व मैं आपके प्रश्न को उत्तर देने से पहले कुछ अपने मान के बाद यहाँ पे रखना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। और सबसे पहले यह है कि आज जितने भी तमाम जो लद्दाख के छात्र संगठन है, वो पूरे तमाम लद्दाख के छात्र संगठन CIBS के जो छात्र समिति छात्र समन ये छात्र कल्याण समिति के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि पहले इन लोगों का एक कोशिश था कि अपने तरफ से जितना हो सके वो लोग अपने बल पुत्ते पे करेगा जितना हो सके। आप इनको दिक्कत हो रहा है कि इनके बात मनाई नहीं जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ये लोग नहीं किया होगा। सब जगह पे ये है, जितने भी हायर अथॉरिटीज है सारे में जाके इन लोगों का जो भी समस्या है सारा पेश किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे लद्दाख के जितने भी नेता है, लद्दाख के जितने भी हायर अथॉरिटीज जो लोग हैं, सभी को इसके बारे में पूरा ज्ञात है, इसके बारे में परिचित है। अब बीते हुए दो तीन सालों से, बीते हुए चार पाँच सालों से CIBS के स्टूडेंट केंद्रबोध विद्या संस्थान के छात्र हैं, वो काफ़ी समस्याओं से गुजर रहा है। इनसे सबसे बड़ी जो समस्या है, इनका सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंस नहीं होना, इनके बोर्ड का अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं होना, तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को बहुत ही दिक्कत और समस्या का ये सामना करना पड़ता है। जब भी कोई जॉब रिक्रूटमेंट होता है, सबसे पहले तो जॉब में ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और हायर अथॉरिटी के लिए ये लोग जो बाहर जाए या अन्यथा जहाँ एजुकेशन का जो शिक्षा का स्थल है या महाविद्यालय है वहाँ पे ये लोग एडमिशन लेने जाते हैं, सीधा ये लोग रिजेक्ट करते हैं इनके सर्टिफिकेट को देख के। तो ये बड़े खेत की बात है, बड़ी दुख की बात है। सबसे पहले विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा से पूर्व, शिक्षा तो महत्वपूर्ण है, शिक्षा से पूर्व सर्टिफिकेट का एफिलेट होना, सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंट होना, उसका बोर्ड होना, उसका रिकॉग्नाइज होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस 21वीं शताब्दी के दौर पे बच्चों को जो भी जितने भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई की बात उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है अपने जीवन के लिए, अपने खान पान के लिए, अपने पेट पूजे के लिए कुछ काम करने के लिए। तो वो काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, रास्ता होना चाहिए। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनका रास्ता भी नहीं मिल रहा है, बहुत कठिन रास्ते से ये लोग गुजार रहे हैं। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ, मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ सोल के एडवाइज़र के हिसाब से, और ऐसा पूर्वा छात्र होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि CIBS की विद्यार्थियों का जितने भी इश्यूज है, जितने भी आकांक्षाएं है, वो सारा सुनना चाहिए MP लद्दाख को आज की इस दिन में यहाँ पे आके। सबसे पहले मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाला ये कुछ दिनों में मानसून सीजन का, आजकल मानसून सीजन चल रहा है, तो अभी मानसून सीजन का सेकेंड थर्ड जो सेशन होगा वो जाएगा, तो उसमें पहले भी हमने आशा किया था ये CIBS के जो विद्यार्थी है उन लोगों का पहला प्रोटेस्ट नहीं है, ये बहुत बर्च कर चुका है। अब मैं ये आशा करता हूँ, और साथ ही साथ तमाम जो CIBS की स्टाफ मेंबर हो, यहाँ के अध्यापक हो, यहाँ के छात्र हो, उन सभी की ओर से MP साहब को ये अपील करना चाहते हैं, आप भी यहाँ के एलुमनी है, यहाँ के एक फॉर्मर स्टूडेंट है, तो आपको तो बखूबी इसके बारे में ज्ञात है, परिचित है। आप सबसे पहले फेसबुक हो या चाहे तमाम जो सोशल मीडिया हो, उसमें जब भी आप पोस्ट डालते हैं हमारे मातृभाषा भोटी भाषा में वो लिख के देते हैं, वो क्योंकि ग्राफ मंथ है, आज उसको भोटी भाषा का क्या और खास सिखा होगा, तो इसी संस्था ने सिखा के उसको छोड़ा है। आज उसको लद्दाख की भाषा का कमांड अच्छा होगा तो वो इसी संस्थान का मेहरबानी है। आज उसको लद्दाख की संस्कृति, रीति रिवाज, जिन जिन चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान है, मैं यही सोचता हूँ कि इस संस्थान के बलबूते में उसको मिला है। आज हम ये भी आशा करते हैं, अगर भविष्य में आप ये आशा करता होगा कि हमारे लद्दाख के जितने भी छात्र हैं उन सभी को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने
ये हेरिटेज के बारे में अगर जानकारी देना चाहता होगा तो सबसे पूर्वा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या चाहे जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जो भी एजुकेशन का जो शिक्षा का स्थल होगा, उन सभी को प्रिजर्व करने से पहले CIBS को प्रिजर्व करना चाहिए। CIBS मात्र एक ऐसा संस्थान है जिसके माध्यम से हमारे संस्कृति को बचा सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे भाषा को बचा सकते हैं। और एक दौर ये भी चल रहा है हमारे जो भाषा है उसको भारत के संविधान की 8वीं सूची में डालने का बात होते हैं। तो 8वीं सूची में डालने के लिए सबसे पहले उसी भाषा का अध्ययन होना चाहिए, उसी भाषा का प्रयोग करने के लोग होना चाहिए। आज उसका लुप्त हो रहा है, तो उसको लुप्त होने से पहले लद्दाखी में एक कहावत होते हैं, प्राचीन काल में हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन लोगों ने अच्छे अच्छे कहावत अच्छे अच्छे मुहारे हमारे सामने छोड़ के गया। हम ये कहते हैं कि छू मायूंग मोल लद्दाख। तो जितने भी कठिन है समस्या होते हैं वो समस्या होने से पहले डंगा लगाना चाहिए होते हैं उसको। जो भी हमारे बच्चों का समस्या होते हैं उसको समस्या को समस्या उभर के आने से पहले उसका हाल ढूंढना चाहिए। मुझे ये ज्ञात होता है कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आज की इस दौर पे जैसे पॉलिटिकल पार्टी होगा या अन्य जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो लोग यहाँ पे आके बच्चों के ग्रेवेंसेस सुनते हैं, उसमें काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस हायर अथॉरिटी लोगों को करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। बड़े खेद के साथ बोलना पड़ता हूँ, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों का अभी होने वाला आने वाला ये कुछ समय में कुछ काल में इनका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम होने से पूर्व सर्टिफिकेट का जो जो इश्यूज है वो सॉल्व होना चाहिए। मैं ये अकेला सोल के एडवाइजर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, तमाम जो लद्दाख के छात्र संगठन है चाहे वो दिल्ली का स्टूडेंट एसोसिएशन होगा, जम्मू का होगा, जांस्कर का होगा, लीव का होगा, सोल का होगा, साउथ इंडिया का होगा, हमारा जितने भी छात्र संगठन है उन सभी की आवाज़ है। ये मेरा आवाज़ नहीं है क्योंकि हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं बच्चों की जितने भी समस्या है उसको लेके हमें बहुत चिंता है। तो यह सब सॉल्व होना चाहिए एग्जाम होने से पूर्व, बच्चों के वो सर्टिफिकेट का इशू सॉल्व होना चाहिए, सबसे पूर्व यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एग्जाम कोऑर्डिनेटर का नियुक्ति होना चाहिए, और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंड कमीशन का UGC का नियम और रूल रेगुलेशन यहाँ पे नियुक्त होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि लद्दाख का जो यूनिवर्सिटी है लद्दाख यूनिवर्सिटी उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर लिया गया था, उसके बाद VC का नियुक्ति किया था, फिर उसके बाद बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिया गया है। यहाँ हम ये लग रहा है कि आज अपने नाम के लिए जब इलेक्शन का दौर आया था उस समय मैं ये पूरे अपने छाती ठोक के मैं ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन का बात हुआ था चाहे रूलिंग पार्टी का हो जितनी भी लीडर हो सारों ने अपनी वाणी के द्वारा ये प्रकट किया था कि आज CIBS में एक संस्थान का जरूरत है, CIBS को डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाना डीम यूनिवर्सिटी बनाने का आवश्यक है, वो हमने कार के दिया बोल के उन लोगों ने बड़े आवाज़ के साथ बड़े जोर के साथ कहा था। अब मैं आज ये भी कह रहा हूँ आपकी कृपा से आपकी मेहरबानी से रूलिंग पार्टी की मेहरबानी से लद्दाख को जो जो चाहिए वो मिल रहा है, बड़ी खुशी है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों ने जिस CIBS को डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाया उसी डीम टू बी यूनिवर्सिटी को अंदर दूनी बहुत ही कामी पेशी है, तो उस कामी पेशी को सबसे पूर्व अच्छा करना चाहिए, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख यूनिवर्सिटी जितनी भी एजुकेशन का स्थल हो उन सभी का करेक्शन होना चाहिए, उनका रेक्टिफाई होना चाहिए, तब जाके अपने विद्यार्थियों का भविष्य देख सकते हैं, अपने भाषा का विकल्प अपनी भाषा का भविष्य देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये आमंत्रित करना चाहता हूँ, ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार MP सर को यहाँ पे आके बच्चों के ग्रेवेंसेस क्या है वो सुने, झूठ पे झूठ बोलते मत जाए, वादा मत कीजिए, वादा करे वादा करना अच्छा होते हैं क्योंकि आप लोग बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग हमेशा वादा देते हैं आश्वासन देते हैं, आप लोगों के आश्वासन से आप लोगों के भरोसे पे जीते हैं। लेकिन आज बच्चों को आपके भरोसा झूठ लगते हैं, आपके भरोसे में वजन नहीं देखते, इसीलिए बच्चे लोग यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हैं। हम बच्चे के ग्रेवेंसेस अभी सुन रहा था पहले, तो बच्चे लोग यह कह रहा था कि आने वाला कुछ 4-5 दिनों में या कुछ दिनों में अगर ये ग्रेवेंसेस इशू नहीं होगा ये खत्म नहीं होगा तो बच्चे लोग हंगर स्ट्राइक में बैठना, यही भी ऐसा कह रहा था।